नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। पांच राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है और ऐसे वक्त में दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। स्पेशल सेल की टीम ने मेरठ में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए हैं। शक ये है कि हथियारों को चुनाव में इस्तेमाल के लिए ऑर्डर पर तैयार किया जा रहा था। आखिर दिल्ली पुलिस ने कैसे तोड़ा मेरठ में मौत का तिलिस्म, इस खास रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली पुलिस की सबसे बड़ी रेड, मेरठ में पकड़ा गया गन मास्टर गोगो। देखिए गन मास्टर गोगो का जखीरा। एनसीआर में गन की होम डिलीवरी। देखिए यही मौत का इतना सामान जिससे दिल्ली एनसीआर में तबाही मचाई जा सकती है। इतने हथियार अपराधियों के हाथ लग जाएं तो हर तरफ खून खराबा मचा दे। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पक्की खबर के बाद गन मास्टर गोगो के मंसूबों पर पानी फेर दिया। सोमवार देर शाम दिल्ली पुलिस ने मेरठ के लिसाड़ी इलाके के लक्कीपुरा के इस मकान पर छापा मारा तो पुलिस टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि बाहर से बंद पड़े इस मकान के अंदर खुफिया तहखाने में हथियार बनाए जा रहे हैं। पुलिस ने बिना देर किए हथियार बनाने वाले तीन कारीगरों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। मौके से पुलिस ने 84 पिस्तौल बरामद किए, कई दर्जन अवैध तैयार तमंचे बरामद किए गए, अवैध हथियार बनाने के औजार भी मिले। गिरफ्तार कारीगरों की पहचान इम्तियाज और उबेद के तौर पर हुई। इन्हें मुंगेर से हथियार बनाने के लिए मेरठ लाया गया था। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की पुष्टि मेरठ पुलिस के अधिकारियों ने की। अभी सूचना मिली कल शाम में हम लोगों को कि दिल्ली पुलिस की कोई टीम आई है और वहां पे हमारे यहाँ जो वहाँ लखीपुरा एरिया में कोई गली नंबर 18 है, वहाँ बेसमेंट के नीचे से कुछ हथियार उन्होंने बरामद किए हैं। ये जब सूचना उसे मिली जब शायद उनकी तरफ से रेड्स हो गई थी और उसके बाद उसका सम्मान वगैरह लेके जा रहे थे, उनका विरोध जब हुआ तो उन्होंने लोकल पुलिस को सूचना दी, हम लोगों ने उनको असिस्ट किया। और स्पेशल सेल की टीम ने कुछ दिनों पहले दिल्ली से सैदुल्ला और नसीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। इनके पास से अवैध हथियार मिले थे। जानकारों के मुताबिक अवैध हथियार लंबे समय से दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी यूपी में सप्लाई किए जा रहे थे। चुनाव करीब आने की वजह से अवैध हथियार बनाने में तेजी लाई गई थी। पूछताछ में पता चला है कि हथियारों की इस फैक्ट्री का बिहार के बदनाम इलाके मुंगेर से सीधा ताल्लुक है। हथियारों के स्पेयर पार्ट्स मुंगेर से ही लाकर उन्हें यहाँ असेंबल किया जाता था। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में मेरठ पुलिस के होश उड़े हुए, क्योंकि सवाल उठ रहा है कि थाने से कुछ दूरी पर चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का पता लोकल पुलिस को क्यों नहीं चला, जबकि दिल्ली पुलिस बकायदा छापा मारती है और फिर गिरफ्तारी भी करती है। वहीं कुछ महीने पहले मेरठ पुलिस ने दावा किया था कि अभियान चलाकर अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान कई अवैध फैक्ट्रियों का खुलासा भी पुलिस ने किया। 28 मई को पुलिस ने शताब्दी नगर में अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी। 30 मई 2018 को नौचंदी थाना इलाके में अवैध हथियार फैक्ट्री पकड़ी गई। 31 मई को सरधना के जंगलों में अवैध हथियार फैक्ट्री के बारे में पता चला। सरधना में चल रही हथियार फैक्ट्री से पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया। 2 जून को परतापुर इलाके में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। अब तक अवैध हथियारों की सप्लाई के लिए बिहार का मुंगेर ही बदनाम रहा, लेकिन जिस तरह से तेजी से मेरठ मुंगेर की फ्रेंचाइजी के तौर पर उभरा है वो पूरे एनसीआर के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। जानकार बताते हैं कि अवैध हथियारों की कम कीमत होने की वजह से इनकी मांग तेजी से बढ़ रही है। तमंचा 2 से 3 या फिर 5 हजार तक बेचा जाता है। अवैध पिस्टल की कीमत 20 से 25 हजार रुपए, वहीं अवैध रिवॉल्वर की कीमत 10 से 15 हजार, राइफल को 10 हजार रुपए में बेचा जाता है, वहीं कारतूस की कीमत 50 से 55 रुपए होती है। अब दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के बाद मेरठ पुलिस पानी पानी, लिहाजा माना जा रहा है कि पुलिस नए सिरे से अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे, ताकि अवैध हथियार बनाने वालों पर शिकंजा कसा जा सके और मेरठ पुलिस को फिर से शर्मिंदा न होना पड़े। रजनीश चौहान, मेरठ, इंडिया न्यूज।
चलती ट्रेन में उतरना या फिर चढ़ना जानलेवा साबित हो सकता है। कई बार ऐसा गलती से होता है तो कई बार लोग खुद अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। इस बार मध्य प्रदेश के उज्जैन में चलती ट्रेन से जल्दबाजी में उतरने की कीमत एक महिला को अपनी जान देकर गंवानी पड़ी। मौत से मजाक महंगा पड़ेगा। इस लड़की की किस्मत अच्छी थी, शायद इसलिए बच गई। इस महिला की किस्मत भी साथ दे गई क्योंकि ट्रेन ऊपर से गुजरने के बावजूद ये सुरक्षित है, वरना इसकी जान भी जा सकती थी। लेकिन ऐसा हर बार और सबके साथ नहीं होता। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसी इस महिला को निकालने की कोशिश चल रही है। ड्रिल मशीन से प्लेटफॉर्म के इस हिस्से को काटा जा रहा है। अब तक इस महिला की सांसें चल रही है, लेकिन ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंसने की वजह से इसे गंभीर चोट आई है, लिहाजा हर स्तर पर इसे सुरक्षित बचाने की कोशिश चल रही है। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद महिला को निकाला जा सका। इसके फौरन बाद महिला को पास के अस्पताल में पहुंचाया गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। महिला के साथ हादसा उज्जैन से करीब 60 किलोमीटर दूर नागदा रेलवे स्टेशन पर हुआ। राजूबाई नाम की महिला अपनी रिश्तेदार को स्टेशन छोड़ने आई थी। ट्रेन चल पड़ी तो महिला चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगी। सीढ़ियों से पैर फिसल गया और महिला प्लेटफॉर्म ट्रेन के बीच फंस गई। राजूबाई के लिए चलती ट्रेन से उतरने की जल्दबाजी जानलेवा साबित हुई, इसलिए चलती ट्रेन से कभी उतरने या फिर चढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। विश्वास शर्मा, उज्जैन, इंडिया न्यूज़।